मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। शिवराज ने कहा कि हमारी सेना चीन को जवाब देगी, लेकिन जनता को अब देश में बने सामानों को महत्व देना चाहिए। लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। शिवराज ने कहा है कि देश को स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए, विदेशी सामान का बहिष्कार जरूरी है। पीएम मोदी ने भी स्वदेशी और लोकल में बनी वस्तुओं को अपनाने की बात कही है। शिवराज ने कहा चीन की हरकत का देश की सेना जवाब देगी, भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। गौरतलब है कि भारत का चीन से फिलहाल व्यापार 70 बिलियन डॉलर का है, जिसको बहुत कम करने की जरूरत है। हालांकि देश में चीनी सामान का बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत छोटी से बड़ी चीजों के लिए चीन पर निर्भर है। इसीलिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने की बात कही है। सामानों का बहिष्कार करें, हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है उसको प्राथमिकता दें। भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।